जम्मू कश्मीर के हंदवाड़ा में आतंकियों से लोहा लेते हुए कर्नल आशुतोष शर्मा की याद में हर किसी की आंखें नम हो गई। जयपुर के खातीपुरा रोड स्थित तो पुरानी चुंगी मोक्ष धाम पर कर्नल आशुतोष शर्मा पंचतत्व में विलीन हुए। जयपुर के लाड़ले कर्नल आशुतोष शर्मा का सैन्य सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया गया। पत्नी और भाई ने मुखाग्नि दी। इस दौरान लोगों ने आशुतोष शर्मा अमर रहे के नारे भी लगाए। वह मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने शहीद कर्नल आशुतोष शर्मा की पार्थिव देह पर पुष्प चक्र अर्पित करते हुए श्रद्धांजलि दी। मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास लालचंद कटारिया ने शहीद को श्रद्धांजलि अर्पित की। वहीं सांसद राज्यवर्धन सिंह राठौड़ ने भी शहीद आशुतोष शर्मा को श्रद्धांजलि अर्पित की। इस दौरान मुख्यमंत्री गहलोत ने कहा कि आशुतोष शर्मा के बलिदान को देश याद रखेगा। कर्नल आशुतोष ने देश के लिए कुर्बानी दी है, हम सबके लिए यह फख्र की बात है। उन्होंने अपने देश के लिए कुर्बानी दी है वो हम सब के लिए फख्र की बात है। और आप देखते हैं कि उनके साथ में और लोग शहीद हुए हैं और राजस्थान में तो घर घर में शहीदों का इतिहास है, चाहे वो 62 का वार हो, 64 का वार हो, 6 अक्टूबर का वार हो, कार्य हमेशा यहाँ के शहीदों ने कुर्बानी देने में पीछे नहीं रहे। आतंकवाद का मुकाबला करना हम सबका फर्ज है। पूरा मुल्क एक है, अखंड है, पार के लिए और एकजुट होकर के हमेशा संघर्ष जुड़े हैं। ये आखिर में हम लोग आतंकवाद को सवाल करते हैं। कितने लोग सही हुए हैं आप लोग को मालूम है। कमल साहब का अपना एक अलग वादा था, अलग सोच थी और सुना मैंने तो बहुत दुख हुआ। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि वो उनकी आत्मविश्वास भी प्रदान करे। उनके परिवार जो बहुत ही आघात लगा है उनको इस दुख को सहन कर लीजिए, ईश्वर में शक्ति। It is a very, very solemn occasion. We are here to honor a brave heart, and I don't really have to introduce him. Today, the whole country and possibly the world knows Ashutosh Sharma, his gallantry and his bravery. I just want you all to know that Ashutosh Sharma represents every gallant soldier who is fighting the terrorists, he's fighting for the state, he's fighting for the country, and he's fighting for the honor of his army. Ashutosh represents every such soldier who is in operations. And we are here to honor him. I've just spoken to his wife Pallavi, and I've told her that Ashutosh, his bravery, his deeds, will never ever be forgotten, and neither will Mrs. Ashutosh Sharma Pallavi, a very, very honored member of our community, ever be forgotten. We will be there for them always and every time, and I salute Ashutosh Sharma and heroes like him. Jai.